तो गाइस, मेरी सासू माँ अपने एनिवर्सरी पार्टी के लिए रेडी हो रही है, क्योंकि उनकी मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी है। और यही मम्मी, फाइनल लुक आपको बताते हैं। ये है बिफोर मेकअप, आफ्टर मेकअप भी मैं बताऊंगी, दिखाऊंगी मम्मी को। इवी इवी, क्यों क्यों गुस्सा हो रही हो तुम? इवी क्यों गुस्सा है? देखे, दिखाओ दिखाओ, इवी क्यों गुस्सा है? हाँ ठीक है, दिखाओ ना प्लीज, क्यों गुस्सा है, किस लिए, क्या चाहिए बताओ। तो हमने मम्मी की 34th वेडिंग एनिवर्सरी में सोचा कि थोड़ा मम्मी को मेकअप वेकअप कराया जाए, इसलिए हमने बुकिंग किए थे नाहरगटिया का एक मेकअप आर्टिस्ट जिसका नाम है तिशा, और फेसबुक इंस्टाग्राम में वो है तिशा मेकअप आर्टिस्ट करके। अगर आपको ये मेकअप पसंद आया हो तो आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसराम मम्मा, ऐसे मत करो आयता को, आयता मेकअप कर, ऐसे मत करो। और मम्मी का ये पार्टी मेकअप हो चुका है कंप्लीट, और ये था मेरे तरफ से मम्मी के लिए सरप्राइज गिफ्ट, क्योंकि मम्मी को मेकअप करना बड़ा पसंद है और मम्मी को काफ़ी इच्छा था पार्टी मेकअप करने के लिए, तो आज मैंने वो करवा दिया मम्मी को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का ये व्लॉग होने वाला है एनिवर्सरी व्लॉग। मम्मी पापा का 34th एनिवर्सरी है और आज हम लोग जा रहे हैं बाहर मनाएंगे। तो हम लोग एक रिजॉर्ट बुक किए हैं, वहीं पे हम लोग सब फैमिली मिलकर निकल रहे हैं अभी जाने के लिए। मेरा गेटअप ये है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरी ईवी भी रेडी हो चुकी है, बस हम लोग अभी निकलने के लिए बाकी है। तो चलिए हम दिखाते हैं आज हमारा व्लॉग में मम्मी पापा का एनिवर्सरी, और आशा करते हैं आप लोग इस व्लॉग को पूरा देखेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहे। ये है मेरा ससुर जी, रेडी हो चुका है, अपन मुखन दिखाई दियो। और ये है उनका गेटअप, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट। ये मेरी सासू माँ जिसका फाइनल लुक काफ़ी सुंदर लग रही है। और उनका ये गेटअप। इवी से हाय, तुम्हें की पिनीसा देखा दिया ड्रेस, ओ पैर तुलाई गोल नी की, ओ हाँ चलो चलो चलो। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। और ये मेरा भाई, मेरे भाई तू मेरा यार है। और ये संजू, संजू काफ़ी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे, ये मम्मी पापा के लिए केक है, फिर यहाँ पर्स फोन रूम उलाइस लूट हमारी दिन लोगों में। संजू इसको पकड़ लो, इवी तुम्हें दुख पापा ना पकड़ो, बस हो गया है। आहा विष्णु चलो। चलो चलो मामा, पापा लोग बोलो। तो गाइस, हम लोग घर से निकल चुके हैं और पहले हम माही लोग को लेंगे, मतलब मौसी लोग को लेंगे, तो उनके वहाँ ही जा रहे हैं अभी। और ये पीछे मेरी सास बैठी हुई है और यहाँ है ईवी, पता नहीं क्या ढूंढ रही है। की लागे तुम आग सैंडल ढूंढ सही से पता से जे पता है। আমার বেটি, এইটো আমার বউ। তো হাম লোক ফাইনালি রিজর্ট পৌঁছ গে, এইটো পার্টির মেইন আকর্ষণ। আকো কো না না মোৰ অকমে ওলাই যায়।
आज में हम लोग यहाँ में रिसोर्ट में खाना खाने आए हैं, पार्टी करने आए हैं, पार्टी पार्टी और हम लोग का रुकसू देखो तो हम लोग का माला मौसी हम लोग का दादी देखो दादी हाय बोल रहा है हाय तो हम लोग का गुल्लू तो देखो आने से एकदम फोटो मारने के लिए रेडी रहता है हम लोग का संजू दी विनीत इसको लड़की चाहिए बोलता है तो हम लोग का विष्णु दा गुवाहाटी से आया है मेहमान ये देखिए हम लोग भाभी हाँ डेकोरेशन दिखाएगा तो हमने फोन करके पहले बोला था डेकोरेशन करने के लिए तो ये मम्मी पापा जो है डेकोरेशन करके उन्होंने रखा है काफी प्यारा लग रहा है आज हमने जो रिजोर्ट में आए हैं हमने ये केबिन बुक किया है जो कि पूरा बेम्बो से बना हुआ है और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने के लिए तो आज हम लोग इसमें खाएंगे हमारे लोग तो ऑलरेडी अंदर जा चुका है तो अभी हम लोग भी जाएंगे तो आज आए सबसे पहले आइटम है आलू भाजा इसे कहते हैं यहाँ हम लोग आलू भाजा और खाई जाए हीरा तो गाइस फाइनली हमारा डिनर आ चुका है और अभी हमारे सब फैमिली मेंबर्स बैठ चुके हैं डिनर करने के लिए तो आज का डिनर में है लोकल चिकन पुलाव दाल फ्राई फिर ये स्टार्टर्स में था पहले तंदूरी चिकन फिर फिश करी है
तो गाइस हमारा खाना खा के हो गया है, मतलब डिनर करके हो गया है कम्प्लीट। अभी हम सभी को वापस अपने घर जा रहे हैं। आज का पार्टी काफ़ी बढ़िया था। और ये हमारा गैंग, अभी आके हम लोग घर पहुँचे हैं। और जो हम लोग जो रिजॉर्ट गए थे उसका नाम तो आप लोगों को अच्छी तरह से नहीं बताया मैंने। उसको रिजॉर्ट का नाम था अमृत ऑर्गेनिक रिजॉर्ट करके, और ये है टिंगराई चाराली पे टुवर्ड्स दुलियाजान के ओर जाते हुए रास्ते पे ही मिलता है रिजॉर्ट। और ये रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा है, बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बच्चे के जितने खेलने के सामान हैं वहाँ अंदर चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी थी। और वहाँ थोड़ा सा टी गार्डन भी था, एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्पेशियस है। इवन वहाँ सारी पार्टीज़ भी होते हैं, और नॉर्मल जो पार्टीज़ वगैरह होता है, बर्थडे पार्टी हो या फिर एनिवर्सरी पार्टी, ये सब भी मनाया जा सकता है वहाँ, क्योंकि बहुत स्पेशियस है। और पीछे बोटिंग करने का भी है, पर मतलब जो रिजॉर्ट है वो अच्छी तरह से अब मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और वीडियो क्वालिटी भी अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैंने दिखाया। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं अगर कभी दिन जाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी पूरा वीडियो, कभी डे टाइम को जाऊंगी तो। और अच्छा लगा, मम्मी पापा का एनिवर्सरी भी काफ़ी अच्छी तरह से हो गया, फैमिली पार्टी छोटा मोटा सा। इसके बाद हम लोग खूब मस्ती किए, बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, इवनिंग बहुत मस्ती की। तो गाइस फिर मिलेंगे जल्दी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। गुड नाइट, बाय बाय। ऐसा करती हूँ आप लोग मेरे व्लॉग को पूरा देखेंगे और देखे होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।